नमस्कार दोस्तों, भारत के कोने कोने में विभिन्न देवी देवताओं से संबंधित मंदिर मौजूद हैं। इन मंदिरों में भगवान के कई रूपों के दर्शन होते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसी समय में तंत्र मंत्र के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। इस मंदिर में देश विदेश से तंत्र मंत्र के माहिर और तंत्र मंत्र सीखने व जानने के चाहवान अक्सर आते थे। यहाँ तक कि इस मंदिर को तांत्रिक यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश के मुरैना शहर पर दशकों तक डाकुओं का राज था, क्योंकि यह इलाका चंबल में आता है। इस इलाके में आम इंसान तो क्या, पुलिस भी जाने से डरती थी। इस इलाके से डाकुओं की हुकूमत खत्म होने के बाद ही कई रहस्यों से पर्दा उठा। वास्तुकला का एक ऐसा उदाहरण सामने आया जिसे देखकर सभी हैरान रह गए, वह था 64 योगिनी मंदिर। इससे भी बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि देश के संसद भवन का ढांचा भी पूरी तरह से इस मंदिर के ढांचे से मेल खाता है। भारत में 464 योगिनी मंदिर मौजूद हैं। इनमें से 2 मध्य प्रदेश और 2 ओडिशा में हैं। इन 64 योगिनी मंदिरों में सबसे प्राचीन और प्रमुख मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित है। मंदिर में हैं 64 कमरे। इस मंदिर के निर्माण के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिलती, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि इस मंदिर को सजाने संवारने का कार्य महाराजा देवपाल द्वारा करवाया गया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण क्षत्रिय राजाओं ने 1323 ईस्वी में करवाया था। यह मंदिर गोलाकार रूप में बना हुआ है। 200 सीढ़ियां चढ़ने के बाद इस मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। इस मंदिर में 64 कमरे बने हुए हैं और हर कमरे में एक एक शिवलिंग स्थापित है। मंदिर के बिल्कुल बीचों बीच यानी मध्य में एक खुला मंडप बना हुआ है। इस मंडप में एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। यह प्राचीन मंदिर 101 खंभों पर खड़ा है। इस मंदिर को एकंतेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए कहा जाता है 64 योगिनी मंदिर। मंदिर में मौजूद 64 कमरों में स्थापित शिवलिंगों के साथ देवी योगिनी की मूर्तियां भी स्थापित थी। बाद में कुछ मूर्तियां इस मंदिर से चोरी हो गई थी। कुछ मूर्तियों को दिल्ली स्थित संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। 64 योगिनियों की मूर्तियों के कारण ही इस मंदिर को 64 योगिनी मंदिर कहा जाता है। माना जाता है कि 9वीं शताब्दी में यह मंदिर तंत्र साधना का एक प्रमुख केंद्र था और इस मंदिर में शिव की योगिनियों को जागृत करने की कला सिखाई जाती थी, जिसे भूतकाल, भविष्य और वर्तमान को काबू करने की साधना कहा जाता है। ये 64 योगिनियाँ काली देवी का अवतार मानी जाती हैं। घोर नामक दैत्य से युद्ध के दौरान माँ काली ने यह अवतार लिए थे। यह योगिनियाँ तंत्र और योग विद्या से संबंधित हैं। पक्षियों को भी नहीं है रात को रुकने की इजाज़त। कहा जाता है कि आज भी यह प्राचीन मंदिर भगवान शिव की तंत्र साधना के कवच से ढका हुआ है। इस मंदिर में किसी को भी रात को रुकने की इजाज़त नहीं है। इंसान पर तो यह आदेश लागू होते ही है, साथ ही किसी पक्षी को भी इस मंदिर में रात को ठहरने की आज्ञा नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस मंदिर को ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया है। भारतीय संसद से मिलती है इस मंदिर की वास्तुकला। आज दिल्ली में मौजूद भारतीय संसद भवन की वास्तुकला इस मंदिर से काफ़ी हद तक मिलती है। कहा जाता है कि ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने भारतीय संसद का निर्माण किया था। यह प्राचीन मंदिर ना केवल बाहर से ही संसद भवन जैसा है, बल्कि इसके खंभे भी बिल्कुल वैसे ही हैं।
क्योंकि 64 योगिनी मंदिर 101 खंभों पर टिका है और संसद भवन इसी प्रकार के 144 खंभों पर खड़ा है। लेकिन संसद भवन के निर्माण को लेकर एक तथ्य यह भी है कि चाहे संसद भवन की इमारत का ढांचा इस प्राचीन मंदिर से मेल खाता है, लेकिन फिर भी माना जाता है कि इन दोनों ब्रिटिश वास्तुकारों में से कोई भी इस इलाके में नहीं गया था जहाँ पर 64 योगिनी मंदिर स्थित है, और ना ही इनमें से किसी ने यह मंदिर देखा। लेकिन आज तक यह रहस्य बना हुआ है कि इन दोनों इमारतों के निर्माण कार्य में इतनी समानता कैसे है। तांत्रिकों का लगता था जमावड़ा। एक समय में 64 योगिनी मंदिर में देश विदेश के तांत्रिकों का जमावड़ा लगता था। इस मंदिर को तांत्रिक यूनिवर्सिटी कहा जाता था। विदेश से भी लोग स्थान पर तांत्रिक सिद्धियां और विद्या हासिल करने के लिए आते थे। आज भी 64 योगिनी मंदिर में कुछ तांत्रिक यज्ञ करते हैं। सो दोस्तों, यह थी 64 योगिनी मंदिर से जुड़ी जानकारी। हर दिन नए और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल D5 हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के बेहतरीन आर्टिकल्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। जुड़े रहें चैनल D5 हिंदी के साथ।